अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान और आज हम जो बात करने वाले हैं, जो वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए, उसका पर्पस ये है कि मैंने आपको बताना है कि हमने अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है अपवर्क के ऊपर। मतलब हमने जैसे आप देखते हैं बिजनेसेस के साइन बोर्ड्स, उनके नेम्स, उनके लोगो, उनकी कलरिंग स्कीम्स जो होती है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताना है कि हमने अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है अपवर्क के ऊपर। आइए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, उस पर मैं आपको इन डिटेल सारा कुछ समझाता हूँ। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग योर पर्सनल ब्रांड। अब हम अपवर्क के ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। अपवर्क पर भी हो सकती है, फेसबुक पर भी हो सकती है, फाइवर पर भी हो सकती है, आप किसी भी जगह पर, लिंक्डइन पर भी कर सकते हैं ये चीज़ें जो हैं, या आप जनरली भी यूज़ कर सकते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। पर अभी मैं फिर वक्त अपवर्क के ऊपर ज़्यादा गाइडेंस दे रहा हूँ आपको। हमने क्या करना है, सेम कलर यूज़ करना है इन बैकग्राउंड ऑफ प्रोफाइल पिक, पोर्टफोलियो एंड कैटालॉग। यूज द सेम कीवर्ड इन बायो, प्रोफाइल एंड स्किल्स टैग में। हमने अपने जो स्किल निच होगा उसके अकॉर्डिंगली सेम वर्ड ज़्यादा यूज़ करने हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसमें लोगो, बैनर्स, बिजनेस कार्ड, फ्लैग्स, इस तरह के वर्डिंग्स, इस तरह के कीवर्ड्स टैग यूज़ करने हैं। और जो कलर स्कीम हम यूज़ करेंगे वो पिक्चर के बैकग्राउंड वाली, और जो हम पोर्टफोलियो बना रहे होंगे थंबनेल्स वगैरह, और ये कलर जो स्कीम होगी वो हम सेम रखेंगे। और उसके बाद है जॉब टाइटल शुड बी द सेम अकॉर्डिंग टू योर नीच और स्किल्स इफ़ यू वांट टू रैंक। अगर आपने रैंक करना है तो आपने फिर जॉब टाइटल को आपने अपनी निच के अकॉर्डिंग रखना है। और उसके बाद अप्लाई द सेम कलर टोन एवरीवेयर। ये वही बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड, आपने जो कपड़े पहने होंगे वो कलर जो यूज़ कर रहे होंगे वही आपने बैकग्राउंड में कोशिश करना है, उससे रेलिवेंट हो या कम्बिनेशन हो डार्क कलर का, और वही आपने उसमें यूज़ करना है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, इतना ही। तो आज मैंने यही आपको बताना था, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपने कलर्स कौन से यूज़ करने हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कैसे अपनी ब्रांडिंग को मेंटेन करना और कैसे ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, तो आपको यकीनन समझ भी आया होगा। और आप ये करिएगा, आप इसका फिर रिजल्ट भी देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी सेल्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और क्लाइंट का एक ट्रस्ट लेवल भी आपके ऊपर बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह नेगेवान।